उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को ये अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समानांतर चतुर्भुज और उसकी विशेषताओं के बारे में। अगर आप क्लास 9 में हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड की में स्टडी कर रहे हैं, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सीरियसली इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पैरेललोग्राम, इसको हिंदी में समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पैरेललोग्राम की परिभाषा मैंने लिखा है, ध्यान से देखकर समझिए। जिस चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की विपरीत भुजाएं परस्पर समानांतर हों, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज जो भी होगा उसमें आप क्या पाएंगे कि आमने सामने की विपरीत भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं वह क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे। ठीक है, जब समानांतर हैं तभी जाकर आप बोलेंगे ये समानांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि किस जगह में आपको दिक्कत हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे समानांतर चतुर्भुज का डायग्राम, जिसमें आप देख रहे हैं AB DC के समानांतर है, AD BC के समानांतर है। तो दोनों भुजाएं आमने सामने की जो हैं वह क्या है, समानांतर हैं एक दूसरे के। यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, AB समानांतर है DC का, AB समानांतर नहीं है CD का। ये इस बात को समझ लीजिए। एरो देने का मतलब है कि जिस साइड में एरो जा रहा है उसी साइड से ही आपको उस रेखाखंड को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं AD समानांतर है CD का तो गलत बोलूं, CB का। अगर मैं बोलूं AB समानांतर है CD का तो गलत बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूं BC समानांतर है DA का तो गलत बोल रहा हूं। मुझे यहां पे AD बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो समानांतर जब भी बात करेंगे तो एक ही दिशा की ओर ही जाएगा। तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर है, तो AB समानांतर है CD का, AD समानांतर है BC का, इसलिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं समझा पाया समानांतर चतुर्भुज होता क्या है। समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, यह आप जानते हैं। इसको देखिए, समानांतर का रेखाखंड लिखेंगे, दो रेखाखंड खड़ा हुआ और GM लिख देते हैं, तो शॉर्टकट में हम इस तरह से पैरेललोग्राम के लिए लिख सकते हैं। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुण को समझ लीजिए, प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज की दोनों विपरीत भुजाएं एक जोड़ी या दोनों जोड़ी, कहने का मतलब है कि दोनों जोड़ी भुजाएं जो होंगी विपरीत बराबर होती हैं। दोनों जोड़ी विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समानांतर चतुर्भुज में। फिर समानांतर चतुर्भुज के अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ठीक है, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगा। इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, अब अगर आप क्लास 9 में है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में है, तो समानांतर चतुर्भुज के गुणों पर आधारित कुछ प्रमेय को आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस पर आधारित प्रमेय को आपको करना ही है एक्सरसाइज 6 में। तो देख लीजिए कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं क्लास 9 में आप पढ़ेंगे, उनको आपको याद करके रखना है, प्रमेय का हेडिंग को, कि क्या प्रमेय आपके पास पढ़ना है या फिर क्या जान के रखना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं समानांतर चतुर्भुज की विशेषताएं करके लिख कर दिखा रहा हूं मैं। डायग्राम देख लीजिए, समानांतर चतुर्भुज है और इसकी जो विशेषताएं हैं मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप ध्यान से देखकर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको इसको जानना पड़ेगा। इसी पर आधारित आपको सारे प्रमेय पढ़ने हैं, प्रमाणित करने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है
और प्रमेय को याद करके रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर सारे के प्रमेय के समाधान हैं, उसको समझाया गया है। आप जाकर इन सब प्रमेय को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 प्रमेय हैं जिन प्रमेय को आपको जानना है, लिखना है, समझ लेना है समानांतर चतुर्भुज के। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।